विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। इंदौर और भोपाल में कांग्रेस से चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। बाकी सीटों पर भी पैनल बना लिया गया है। कांग्रेस का टारगेट 29 में से 20 सीटें जीतने का है। प्रदेश कांग्रेस अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गई है। कुछ सीटों पर सिंगल नाम भी तय कर लिए गए हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 22 मार्च को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की आधी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की सीटों पर नाम का फैसला राहुल गांधी करेंगे। इसके लिए उन्होंने अलग से सर्वे कराया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इनमें बाहरी बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। यह है संभावित उम्मीदवारों के नाम। पुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, सीधी से अजय सिंह, सतना से राजेंद्र सिंह, मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, शहडोल से हिमाद्री सिंह, मुरैना से राम निवास रावत, भिंड से महेंद्र बौद्ध, दमोह से रामकृष्ण कुसमरिया और खंडवा से अरुण यादव। इन सीटों पर उम्मीदवारों की पैनल ग्वालियर प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया और अशोक सिंह, इंदौर से रेणुका पटवारी, अश्विनी जोशी, सत्यनारायण पटेल, सागर से निशंक जैन, प्रभु सिंह ठाकुर, अरुणोदय चौबे, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा, शैलेंद्र पटेल, राजकुमार पटेल, होशंगाबाद से रामेश्वर निखरा, सुरेश पचौरी, खजुराहो से कविता सिंह, चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी और रामकृष्ण कुसमरिया, टीकमगढ़ से कमलेश वर्मा, सुरेंद्र चौधरी, शशि कर्णावत, जबलपुर से आलोक चंसूरिया, राजेश पटेल, नीलेश अवस्थी और नरेश सराफ, भोपाल से अरुणेश्वर सिंह देव, कैलाश मिश्रा, संदीप दीक्षित और गोविंद गोयल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का कहना है कि कांग्रेस के सामने सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के नाम हैं। सर्वे और राय शुमारी से जो नाम सामने आए हैं उनकी पैनल बनाई गई है। उम्मीदवार तय करने में कोई मुश्किल नहीं है। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।